हेलो एवरीवन आज हम आपको फ्यूचर जनरली जर्नल इंश्योरेंस कंपनी के एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का रिव्यू देंगे जिसका नाम है एफजी हेल्थ एब्सोल्यूट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इस प्लान में कुछ यूनिक फीचर हैं जो आपकी नीड को पूरा कर सकते हैं सो तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदें तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सो so अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे सो so प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं इस प्लान में तीन वेरियंट हैं क्लासिक प्लेटिनम और सिग्नेचर सम इंश्योर्ड रेंज की बात करें तो क्लासिक वेरिएंट में आप तीन लाख 5 लाख और दस लाख का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं जबकि प्लेटिनम में पंद्रह लाख से पैंतीस लाख के बीच में सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और सिग्नेचर में पचास लाख पिचहत्तर लाख और एक करोड़ का सम इंश्योर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो चाइल्ड फर्स्ट डे से कवर तीनों ही वेरिएंट में किया जा सकता है जबकि अडल्ट में मिनिमम एंट्री एज 18 इयर्स है जो कि तीनों ही वेरिएंट में सेम है मैक्सिमम एंट्री एज 25 फाइव ईयर्स है चाइल्ड की और अडल्ट की एंट्री एज की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट्स में कोई लिमिटेशन नहीं है यानी कि आप किसी भी एज में इस प्लान को बाय कर सकते हैं रिन्यूअल तीनों ही वेरिएंट में लाइफ लॉन्ग है कवरेज की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट में आप इसको इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर के लिए इस प्लान को ले सकते हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट में अप टू द सम इन शॉर्ट तक आप क्लेम कर सकते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो तीनों ही वेरियंट में अप टू द सम इन शॉर्ट तक आप क्लेम कर सकते हैं पाँच डे केयर ट्रीटमेंट बीमारियों के लिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन तीनों ही वेरिएंट में सिक्सटी डेज है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लासिक प्लान में 90 डेज तक आप क्लेम कर सकते हैं जबकि प्लेटिनम में वन ट्वेंटी डेज तक और सिग्नेचर में वन एटी डेज तक आप क्लेम कर सकते हैं रिस्टोरेशन ऑफ साम इन तीनों ही वेरिएंट में आप क्लेम कर सकते हैं साल में एक बार आप क्लेम कर सकते हैं जो कि सेम बीमारी और अदर बीमारी के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कीमोथेरेपी और डायलिसिस के लिए आप लाइफ टाइम में एक बार रिस्टोरेशन का बेनिफिट ले सकते हैं मेटर्निटी एक्सपेंसेस की बात करें तो क्लासिक प्लान में तीन लाख के सम इन शॉर्ट पर पच्चीस हजार रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं जबकि पाँच लाख और दस लाख के सम इन शॉर्ट पर तीस हज़ार रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं जबकि प्लेटिनम प्लान में पंद्रह लाख ,00 के समीन चोट पे चालीस हजार रुपए और बीस लाख ,00 से पैंतीस लाख के सामीन चोट पे पचास हजार रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं जबकि सिग्नेचर प्लान में पचास लाख ,00 से एक करोड़ ,00 के सामिन चोट पे आप एक लाख रुपए तक मेटर्निटी के लिए क्लेम कर सकते हैं इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि मिनिमम तीन साल का वेटिंग पीरियड मेटर्निटी के क्लेम के लिए आपको वेट करना होगा और ई टॉपिक प्रेगनेंसी जिसका मतलब होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर का बेबी बेबी ट्यूब में फंस जाता है तो उसकी वजह से अगर कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनी क्लेम नहीं पे करेगी बट अगर पॉलिसी होल्डर का कोई होता है तो इस प्लान में आप क्लेम कर सकते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात करें तो क्लासिक वेरिएंट में यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जबकि प्लेटिनम में आप पचास हजार रुपए तक पर पॉलिसी और मैक्सिमम एक लाख रुपए तक लाइफ टाइम में आप क्लेम कर सकते हैं जबकि सिग्नेचर में एक लाख रुपए पर पॉलिसी ईयर और मैक्सिमम दो लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं जो कि तीन साल के वेटिंग पीरियड के बाद आप क्लेम कर सकते हैं इसमें इस कुछ गाइडलाइंस आपको फेस करनी होगी कि ये मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ फोर्टी फाइव तक आप क्लेम कर सकते हैं और यह है ट्रीटमेंट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंडर में ही होना चाहिए ऑर्गन डोनर की बात करें तो ऑर्गन डोनर तीनों ही प्लान में आप अप टू द सम इन शॉर्ट तक क्लेम कर सकते हैं इस प्लान में पेशेंट केयर का एक बेनिफिट अवेलेबल है जो कि साठ साल से ऊपर जो भी पॉलिसी होल्डर है सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है अगर आपके पास एक क्लासिक प्लान है तो उसमें थ्री फिफ्टी रुपीज़ पर डे तक आप क्लेम कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम टेन डेज तक इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं और पर पॉलिसी ईयर मैक्सिमम थर्टी डेज तक आप क्लेम कर सकते हैं जबकि प्लेटिनम प्लान में आप फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर डे तक क्लेम कर सकते हैं और सिग्नेचर में वन थाउजेंड रुपीज़ पर डे तक क्लेम कर सकते हैं इस प्लान में एक और यूनिक फीचर है जो है अकम्पिंग पर्सन अप टू द एज ऑफ ट्वेल्व ईयरस अगर कोई बच्चा बारह साल से कम है अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी केयर करने वाले पर्सन को दिन तक मैक्सिमम कंपनी क्लेम पे करती है फाइव हंड्रेड रुपीज क्लासिक में सेवन फिफ्टी रुपीज पर डे प्लैटिनम प्लान में और वन थाउजेंड रुपीज पर डे सिग्नेचर प्लान में मैक्सिमम थर्टी डेज तक आप इस प्लान में क्लेम कर सकते हैं एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से अगर आपको एक्स्ट्रा सम इन चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो पच्चीस परसेंट ऑफ सम इन शॉट कंपनी एक्स्ट्रा पे कर देगी जो कि मैक्सिमम दस लाख रुपए तक होना चाहिए जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है अगर एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर का सम इन शॉर्ट कम पड़ता है तो कंपनी ट्वेंटी फाइव परसेंट सम इन का एक्स्ट्रा पे कर देगी इस प्लान के तीनों वेरिएंट में आप होम केयर ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट ऑफ सम इन शॉर्ट तक आप क्लेम कर सकते हैं इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि पॉलिसी होल्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है वो हॉस्पिटल में मूव नहीं कर सकता या हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है या कोई कीमोथेरेपी या डायलिसिस आपको घर पे कराना है तो आप इन सिचुएशंस में होम केयर ट्रीटमेंट तीनों ही वेरिएंट में क्लेम कर सकते हैं आयुष ट्रीटमेंट इस प्लान के तीनों वेरिएंट में आप क्लेम कर सकते हैं जो कि सिर्फ रिम्बोसमेंट बेसिस पे ही अवेलेबल होगा आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी इस प्लान में आप क्लेम कर सकते हैं इसमें भी कुछ गाइडलाइंस होती है जहाँ से आप ट्रीटमेंट कराते हैं या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए अब्रोड मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें यानी कि इंडिया से बाहर अगर आपको कोई ट्रीटमेंट की प्लानिंग करनी है तो क्लासिक और प्लेटिनम प्लान में आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं सिग्नेचर प्लान में आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जो कि चार साल के वेटिंग पीरियड के बाद आप क्लेम कर सकते हैं रोड एम्बुलेंस क्लासिक प्लान में आप पंद्रह सौ रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन प्लेटिनम प्लान में दो हजार रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन और सिग्नेचर प्लान में ₹5000 हजार रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन तक आप क्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी मेडिकल क्लासिक प्लान में अवेलेबल नहीं है जबकि सिग्नेचर और प्लेटिनम प्लान में आप क्लेम कर सकते हैं जो कि अप टू द फाइव परसेंट ऑफ साम तक आप क्लेम कर सकते हैं ई e ओपिनियन आप तीनों ही प्लान में ले सकते हैं जो कि मैक्सिमम टू टाइम्स पर पॉलिसी ईयर तक आप क्लेम कर सकते हैं इन तीनों ही प्लान्स में ओ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं आप चेक कर सकते हैं कि कितने कौन कौन से प्लान में कौन कितना सम इन पे कितना आप क्लेम कर सकते हैं चाइल्ड वैक्सीनेशन की बात करें तो क्लासिक और प्लेटिनम प्लान में यह बेनिफिट अवेलेबल नहीं है जबकि सिग्नेचर में आप पाँच हजार रुपये पर एन क्लेम कर सकते हैं जिस भी बच्चे की एज बारह साल से कम है उसकी वैक्सीनेशन के लिए वेलनेस बेनिफिट तीनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है यानी कि इनके फिटनेस गोल्स को अगर आप अचीव करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे इस प्लान में को की बात करें तो अगर कोई पॉलिसी होल्डर इस प्लान को 61 की एज के बाद लेता है तो 20% परसेंट को पेमेंट कंपल्सरी है यानी कि 20% परसेंट पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से देना होगा कैटरेक्ट की सर्जरी पर भी लिमिट है जो कि क्लासिक प्लान में 10% परसेंट ऑफ सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम सेवेंटी पर आइज है जबकि प्लेटिनम प्लान में टेन ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम वन पॉइंट फाइव लैख पर आइज़ है जबकि सिग्नेचर प्लान में टेन परसेंट ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम टू लैख पर आइज़ है लेसिक सर्जरी यानी कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर को स्पैक्स है और वो अपने स्पैक्स को हटवाना चाहता है तो इस प्लान में वो कवर है तीन साल के वेटिंग पीरियड के बाद क्लासिक प्लान में आप थर्टी थाउजेंड तक क्लेम कर सकते हैं प्लैटिनम प्लान में फिफ्टी थाउजेंड पर और सिग्नेचर प्लान में एक लाख रुपए पर आइज तक आप क्लेम कर सकते हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों साल जो है वो फ्यूचर जर्नली जर्नल इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही होने चाहिए यानी कि पोर्टेबिलिटी के बाद इस फ्यूचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो क्लासिक प्लान में 50% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम तीन लाख पर पॉलिसी ईयर तक आप क्लेम कर सकते हैं प्लेटिनम प्लान में फिफ्टी परसेंट ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम सेवन पॉइंट फाइव लैख पर पॉलिसी ईयर आप क्लेम कर सकते हैं जबकि सिग्नेचर में फिफ्टी परसेंट ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम टेन लैख पर आइज तक आप क्लेम कर सकते हैं बेरिएटिक सर्जरी इस प्लान में कवर है जो कि क्लासिक प्लान में फिफ्टी परसेंट ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम पाँच लाख रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं जबकि प्लेटिनम प्लान में 50% परसेंट ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 7.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं जबकि सिग्नेचर में फिफ्टी परसेंट आप साम और मैक्सिमम दस लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं बेरिएटिक सर्जरी एक मोटापे की सर्जरी होती है अगर पॉलिसी होल्डर की एज अठारह साल से ज़्यादा है और उसका बी एम आई चालीस प्लस है या पैंतीस से भी ज़्यादा है और उस सिचुएशन में कोई क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ टू जैसी डिजीज़ हैं तो उस सिचुएशन में अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है तो बेरिएटिक सर्जरी पॉलिसी होल्डर की की जा सकती है जिस पे कंपनी लिमिट्स के साथ क्लेम पे करेगी प्री इंश्योरेंस मेडिकल एग्जामिनेशन इस प्लान में अगर कोई पॉलिसी होल्डर तीन लाख पाँच लाख और दस लाख का प्लान लेता है जो कि क्लासिक वेरिएंट में पचास साल की एज तक कोई भी मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड नहीं होगा बट पचास साल की एज के बाद मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे जब जबकि प्लेटिनम और सिग्नेचर दोनों प्लान में हेल्थ चेकअप हर एज बैंड में रिक्वायर्ड हैं इस प्लान में नो क्लेम बोनस 50% परसेंट है अगर आप पॉलिसी पे क्लेम नहीं करते हैं तो पॉलिसी 50% परसेंट से इंक्रीज होगी जो कि मैक्सिमम 100% परसेंट तक इंक्रीज होगी और जिस जैसे आप पॉलिसी पे क्लेम करते हैं तो जिस रफ्तार से ये बढ़ता है उसी रफ्तार से ये कम भी हो जाता है वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इस प्लान में थर्टी डेज का वेटिंग पीरियड है किसी भी तरह का फ्रेश इलनेस के लिए या क्रिटिकल इलनेस के लिए टू इयर्स का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज लाइक कैटरै स्टोन पाइल्स हर्निया कान गले की बीमारी एक्सेट्रा के लिए पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है तो तीनों वेरिएंट में दो साल के बाद कवर है कुछ बीमारियां इस प्लान में तीन साल के बाद कवर है लाइक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एज रिलेटेड ऑस्टोपीरियस अनलेस द ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो कि एक बोन्स की प्रॉब्लम होती है अगर एज रिलेटेड कोई बोन्स की प्रॉब्लम होती है तो तीन साल के बाद कवर है लेसिक सर्जरी एक्सेट्रा इस प्लान में तीन साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर है जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सेक्शन एट्टी डी टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो 15 डेज़ का फ्री लुक पीरियड होता है जिसमें आप प्लान को कैंसिल करके अपना सारा पैसा रिफंड ले सकते हैं सो so ये था एक रिव्यू फ्यूचर जर्नली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एफ हेल्थ एब्सोल्यूट प्लान का लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग